एवरीवन. सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो आज हम सबके पास टाइम था, मैं मेरे दोस्त आज सब फ्री थे, तो हमने डिसाइड किया कि आज चलते हैं कहीं घूमने. तो फिर मेरे एक सीनियर, उन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज में वर्क है कुछ, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब उनके कॉलेज में जाए. और उनके कॉलेज का नाम है COEP, जो कि आप सबने सुना होगा. सो लेट्स गो इन द COEP. ये अभी COEP का कैंपस स्टार्ट हो चुका है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम कुछ चल रहा है इधर. तो इधर से जो COEP है उसका मेन कैंपस स्टार्ट होता है. इसमें भी दो कैंपस है, एक रोड के लेफ्ट साइड और एक रोड के सेकंड साइड. जितना मेरे को अभी तक पता चला, तो जो रोड के लेफ्ट साइड है जहाँ पे अभी हम हैं, ये एमटेक वालों का है, और जो नेक्स्ट वाला है वो है इंजीनियरिंग का. अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, बट मैंने इधर पूछा जिनसे तो मेरे को यही लगा. तो वैसे देखने में कैंपस काफ़ी अच्छा है. ये सामने है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का है. तो और ये सामने ये लाइब्रेरी है, बच्चे भी अंदर से पढ़ के आ रहे हैं. वैसे ओवरऑल मेरे को लगा नहीं था कि COEP का कैंपस इतना अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ऐसे प्लेसेस पसंद है जो ओल्ड टाइप के होते हैं ना. और इसमें मैं जब से आया हूँ, मेरे को अंदर से बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये भी पूरा वैसे ही है. जो पहले पहले राजा महाराजाओं की टाइप के बिल्डिंग्स नहीं होते थे, तो वैसे ही मुझे लग रहा है. ये सामने है, ये भी अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्लम्बिंग लेबोरेटरी, ये सब इसी साइड है. क्योंकि COEP एक रोड के अंडरग्राउंड जाओगे तो जो सामने है ना, उधर भी है एक, उधर भी मैं जाऊँगा, वो भी दिखाऊँगा मैं आपको. तो ये कैंपस लिटरली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ पर ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे आप खुद ही देख सकते हैं. तो अभी हम आ गए हैं COEP की सेकंड बिल्डिंग में, सेकंड डिपार्टमेंट में. जो ये डिपार्टमेंट है, ये मेन है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो एमटेक वाले हो चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो. ये बिल्डिंग मेन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है. और ये आ गया कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर IT डिपार्टमेंट, जो कि इस टाइम पर बंद है. और अभी ये सामने आई है ENTC डिपार्टमेंट, जो कि ओपन है, जहाँ पर हम जा सकते हैं. तो देखने में तो ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट लग रहा है, ग्रीनरी के हिसाब से. मैंने जैसे कहा कि मेरे को इस टाइप की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस टाइप की बिल्डिंग्स. और ये जो सामने है, ये है ENTC डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन बिल्डिंग, यहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं अंदर जाके. और ये जो सामने है, ये सामने मैंने पूछा भैया को, बोलते कि जो भी ENTC की लैब्स होती हैं उनके लिए ये बिल्डिंग है. तो ये जो सामने, यहाँ ये सामने दिख रहा है, जैसे कि ये सारी लैब्स हैं. मेरे सामने भी ये ENTC की लैब है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, COEP लैब ENTC डिपार्टमेंट वाली. और ये आगे जितनी भी हैं, ये सारी मैक्सिमम लैब्स ही हैं. व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? हैं, काफ़ी क्यूट डॉग है ये तो. मन कर रहा है कि इसको अपने साथ ही ले जाओ. देखो कितना इनोसेंट है, कितना इनोसेंट है. क्या नाम है आपका? आप भी इस कॉलेज में पढ़ते हो? ये भी इस कॉलेज का स्टूडेंट है, पर लॉकडाउन की वजह से बेचारा ये भी क्लासेस नहीं ले पा रहा है, इसलिए काफ़ी दुखी दुखी लग रहा है, सैड सैड लग रहा है बेचारा. कोई नहीं, जल्दी कॉलेज स्टार्ट होंगे, जल्दी तुम्हारे दोस्त आएंगे वापस. तो ये था अपने COEP कैंपस का टूर. हालांकि COEP कैंपस काफ़ी बड़ा है, बट हम जितना देख सकते हैं, हमने जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है वो देखे, उसके बाद जो एमटेक का डिपार्टमेंट है वो देखा. तो अभी हम इधर से जा रहे हैं, कहीं मॉल में जाएंगे, उधर देखते हैं, वो अच्छी अच्छी मूवी लगी होगी. तो
वो देखेंगे, सभी करेंगे डिसाइड कि कहाँ जाना है, फिर आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ गए, क्या किया। सो उसके लिए देखते रहें हमारा ब्लॉग। ब्लॉग आई होप आप सब लोगों को पसंद आया। सो मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।